नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी जानने वाले हैं वो बुक्स का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम 20th सेंचुरी के फेमस इन्वेस्टर थे। इस बुक के बारे में शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट का कहना है कि जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं उन्हें ये बुक्स पढ़नी ही चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया था तब मुझे यही बुक ने गाइड किया था, जिसके आइडिया ने ही मुझे इतना सफल बनाया है। तो चलिए आज हम ये अमेजिंग बुक के पावरफुल इन्वेस्टिंग लेसन के बारे में जानेंगे जो आपको भी फ्यूचर के वॉरेन बफेट बनाने की क्षमता रखते हैं। बेंजामिन ग्राहम की ये बुक्स में से आज हम आपके साथ 4 पावरफुल की लेसन शेयर करेंगे जो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल वर्सेस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। नॉर्मली लोग जिस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू ज्यादा चल रही होती है उस कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कंपनी के लॉन्ग टर्म इवेल्यूशन और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है उन सब का पहले एनालिसिस करता है, उसके बाद ही वो कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। जब हम बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अगर वही कंपनी के स्टॉक में गिरावट आए तो उससे आपको भी नुकसान हो सकता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी क्रेजी प्रॉफिट को फोकस में रखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, पर वो उस बात पर फोकस करता है कि उसे आने वाले समय में सेफली और स्टेडी रिटर्न्स मिलता रहे। वॉरेन बफेट्स ने इन्वेस्टिंग के बारे में 2 रूल्स बताए थे। रूल्स नंबर 1, नेवर लॉस मनी। रूल्स नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। लेसन नंबर 2, नेवर पुट ऑल योर मनी ऑन वन स्टॉक। आम इन्वेस्टर अगर किसी एक कंपनी के स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही हो तो उसमें ही सारे पैसे लगा देते हैं। अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो वो इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा, पर उसमें रिस्क ये है कि अगर वो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू डाउन हो गई तो वो इन्वेस्टर के सारे पैसे एक साथ डूब जाएंगे। दूसरी ओर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक कंपनी में ही सारे पैसे इन्वेस्ट करने की जगह डिफरेंट कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जिससे यह होगा कि अगर कोई एक कंपनी के स्टॉक में गिरावट आए तो सिर्फ एक कंपनी में रोके हुए पैसे ही जाएंगे, बाकी के पैसे सेफ रहेंगे। यानी कि अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले अपने पैसे की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की यही एक निशानी है। लेसन नंबर 3, नेवर ट्रस्ट मिस्टर मार्केट। यहाँ पर मिस्टर मार्केट यानी कि ऑथर स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जिसके दाम आज बहुत ऊंचे हैं उसके दाम कल कम भी हो सकते हैं। इसीलिए मार्केट का पहले पूरी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आपको लॉस हो सकती है। लेसन नंबर 4, ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रिक्ट फॉर्मूला। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग हर दिन एक टेंशन में जीते हैं, वो ये कि उनके पैसे डूब गए तो, उनको लॉस हुई तो वो क्या करेंगे। ऐसे मानसिक स्ट्रेस से बचने के लिए ऑथर कहते हैं कि हमें हमारे इनकम में से 10% ही हर महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आपकी महीने की इनकम 10,000 है तो आपको उसमें से 1,000 रुपीस ही इन्वेस्ट करने चाहिए, जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आपका मानसिक स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। अंत में सिर्फ एक बात कि कभी भी ज्यादा कमाने की लालच में आकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग करना जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑथर की यही एक एडवाइस है कि आप इन्वेस्टिंग करके बिलियनेयर ना बन सके तो कोई बात नहीं, पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने अपने कमाई के पैसे को सेफली इन्वेस्ट करना और उसमें से प्रॉफिट जनरेट करना सीख जाए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम की ये अमेजिंग बुक को अगर आप रीड करना चाहते हो तो ये बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ये बुक्स को परचेस भी कर सकते हो। अगर ये टॉपिक्स पे आप और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये बुक समरी में से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप और भी इंटरेस्टिंग बुक्स की समरी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल डिजायर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।